हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको खाली पड़े हुए डब्बों का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास खाली डब्बे पड़े हुए थे जिस पे कपड़ा लगा के कोई भी फैब्रिक या कोई वॉलपेपर वगैरह कुछ भी लगाकर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, तो ग्लू गन की हेल्प से मैं ये कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो ग्लू गन की हेल्प से बहुत अच्छे से चिपक जाता है। कितने डब्बे हमारे पास ऐसे खाली पड़े रहते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं, तो ऐसे वेस्ट चीज़ों को कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं घर पे ज़ीरो कॉस्ट में। तो ये फैब्रिक मैंने इस पे अच्छे से चिपका लिया है। इसको अच्छे से हाथों से प्रेस करके दबा के चिपका देना है, और जो निचली साइड पे जो फैब्रिक बचा हुआ है ये थोड़े थोड़े मैं कट लगा के नीचे की तरफ को ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। तो इसमें आप पेन पेंसिल वगैरह, बच्चों के स्केच पेन वगैरह कुछ भी रख सकते हो। नीचे की तरफ से अच्छे से फैब्रिक को मैंने इससे फिक्स कर लिया है, और जो ऊपर की तरफ को थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे मैं कैंची की हेल्प से कट कर लूँगी, थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। तो ये फैब्रिक लग के तैयार हो गया है। अब मेरे पास एक और दूसरा डिब्बा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी मेरे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ था। ऐसे कोई वेस्ट कपड़ा, जैसे भी कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो तो वो आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहते हो लेस लगा लो, कोई पैचेस वगैरह कुछ भी लगा लो। तो ऐसे डब्बे पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते, और ये अगर आपको इनको डेकोरेट करके इन्हें रखेंगे तो आप इन्हें रूम में भी रख सकते हैं। बच्चों के पेन पेंसिल कुछ भी इसमें आप रख सकते हो, तो लुक वाइज भी अच्छे लगते हैं। और ये खाली डिब्बे जैसे हम फेंक देते हैं तो हमारे काम भी आ जाएंगे। तो इस पे मैंने ये फैब्रिक चिपका लिया है। निचली साइड को जो कपड़ा फालतू आ रहा है तो मैं छोटे छोटे कट्स लगा के इसे भी ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। अब निचली साइड जो ये खाली नज़र आ रहा है तो उसका बॉटम जो है वो भी मैं सर्कल काट के निचली साइड पे चिपका दूंगी, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सर्कल मैंने काट के नीचे से अलग चिपका लिया है। ऐसे ही मैं दूसरे डब्बे पे भी चिपका लूँगी। तो ये मैं इसको अब लेस लगाकर डेकोरेट करूँगी। तो ये मेरे पास मोती वाली लेस पड़ी हुई थी, तो ये मैं पहले ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका लूँगी, ताकि इसकी लुक अच्छी आए और देखने में सुंदर लगे। अब ये मैंने लगा ली एक चौड़ी लेस, मैं इसके ऊपर और लगाऊंगी ताकि इसका बॉर्डर अच्छा लगे। तो ये चारों तरफ मैं इसे लगा लूँगी। अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, स्केच पेन पेंसिल वगैरह जो भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। इसको भी नीचे से कवर कर दूंगी। ये भी मैंने नीचे से कवर कर लिया है। अब इस पे भी मैं लेस लगाऊंगी, देखती हूँ कौन सी लेस इस पे अच्छी लगती है। तो ये सिल्वर कलर की लेस लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। ये मिरर वाली लेस मेरे पास पड़ी थी, तो
ये मिरर वाली लेस मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। इससे भी बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो देखो कितने खाली ऐसे डब्बे पड़े रहते हैं, हमें इनका यूज़ करना चाहिए, ऐसे फेंकने नहीं चाहिए। इनको थोड़ा सा बस डेकोरेट करके आप रख सकते हो। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके। तो देख लो ये फाइनल लुक ऐसा आया है। मैंने इसमें ब्रश रखे हैं, तो आप पेन पेंसिल जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। ऑर्गेनाइज़र कितना अच्छा लग रहा है, ये रूम में रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।